संजय दत्त ने मुन्ना भाई MBBS 3 पर खोला राज, जानिए कब शुरू होगी शूटिंग। हमारे चहेते मुन्ना भाई और सर्किट को तीसरी बार देखने का इंतजार सिर्फ बॉलीवुड फैंस को ही नहीं बल्कि खुद संजय दत्त को भी है। जी हाँ, संजय दत्त फिल्म मुन्ना भाई सीरीज के मोस्ट अवेटेड तीसरे पार्ट की शूटिंग शुरू होने का बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में इस बारे में बात करते हुए संजय दत्त ने कहा, मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं कि यह जल्द ही हो, लेकिन यहां मुन्ना भाई सीरीज के निर्देशक राजू हिरानी, राजकुमार हिरानी से पूछा जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब वह बेहतर ढंग से दे पाएंगे। मैं शूटिंग शुरू होने की बड़ी ही उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। फिल्मकार राजकुमार हिरानी के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद ऐसी चर्चा है कि जब तक उन्हें क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक मुन्ना भाई 3 पर काम शुरू नहीं किया जाएगा। संजय दत्त अपनी पत्नी मान्यता दत्त के साथ मंगलवार को मुंबई में बाबा के ट्रेलर लॉन्च पर मीडिया से बात की। इस मौके पर फिल्म के सह निर्माता अशोक सुभेदर, निर्देशक राजहार गुप्ता और फिल्म के कलाकार दीपक डोबरियाल, नंदिता पाटकर, आर्यन मेंगजी, चित्तरंजन गिरी, स्परिहा जोशी और अभिजीत खांडकेकर भी मौजूद थे। संजय दत्त ने साल 1981 में रॉकी से हिंदी फिल्मों में अपना डेब्यू किया। इसके बाद उन्होंने नाम, खलनायक, वास्तव, द रियलिटी, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना जैसी कई और यादगार फिल्मों में काम किया। संजय दत्त का कहना है कि वे फिल्मों में कुछ इस तरह का किरदार निभाना चाहते हैं जिस तरह के किरदार हॉलीवुड फिल्मों में मेल गिब्सन और डेंजल वॉशिंगटन निभाते हैं। मुसाफिर के गाने ओ साकी साकी के नवीन संस्करण के बारे में संजय ने कहा, ये काफी अच्छी बात है कि इन गानों को रिक्रिएट किया जा रहा है और इसका मतलब ये है कि ये गाने अब भी मशहूर हैं। आने वाले समय में संजय शमशेरा में रणबीर कपूर के साथ और पानीपत में अर्जुन कपूर के साथ देखेंगे।